2 नवंबर की घटना के बाद जब हम लोग महीनों बाद ठीक हुए, कुछ चलने फिरने लायक हुए, तो मन में एक ज्वाला और भड़क गई। जैसे घायल शेरों को, जो शेरों को घायल करते हैं, शेर उनको बख्शता नहीं है, मेरे मन में ये भाव आ गया कि जिस ढांचे के कारण हमें गोलियां मारी गई हैं, अब इसको बिल्कुल नहीं रहने देंगे, इसको जड़ से नेस्तनाबूत करेंगे। लक्ष्य और आसान होता गया। मैं उन महात्मा जी से पुनः मिला। महाराज जी ने कहा कि बेटे, इस तरह काम नहीं चलेगा, 5-6 हजार जुनूनी नौजवानों की टीम बनाओ, और अब सरकार के भरोसे हम तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डाल सकते हैं। कोई सरकार वरकार नहीं होती है, सब वोटों के सौदागर हैं, हिंदुओं के सब शत्रु हैं, इसलिए अब तुम एक बड़ी टीम तैयार करो। फिर हम लोगों ने उनके आदेश पर वो दुबे सिंह जी, आखिर ये अदृश्य चमत्कारी महात्मा जो जी बार बार आपके जीवन में आते हैं, ये कौन है? मैं भैया आज भी नहीं जान पाया। मुझे 34 साल लगातार मिलते रहे, 35 साल, 86 से, और 2019 10 नवंबर आखिरी बार मिले, और देखो, जब हनुमान आखिरी बार जी ही तो नहीं थे, हनुमान जी की कृपा हो कोई, क्यों अदृश्य संत इस तरह से? वो इतने सुंदर थे भैया, उनकी याद आती है तो बड़ी पीड़ा होती है कि उन्होंने हर क्षण मुझे पिता की तरह, ईश्वर की तरह मेरा संरक्षण किया। जब कोई आंदोलन का समय आता, धन की जरूरत होती, तो हाथ पीछे ले जाते और कहते जितने धन की जरूरत होती थी उतना दे देते, कहते इतना रुपया है रख लो, काम आएगा। करेंसी नोट होता था, अभी शायद 10-5 नोट पड़े हों, रख लिया गया। और वो उनकी बातें अद्भुत होती थी। वो इतने सुंदर थे कि इतना सुंदर पुरुष इतनी उम्र में मैंने कभी नहीं देखा। आधा भारत मैंने घूमा है, कहीं और भगवान इस बात ही तो नहीं थे? मैं भी की मानता हूं कि भगवान ने किसी दूत को तो नहीं भेज दिया था। जो भी रहा हो, मैंने आदरणीय भैया मैं आपको बताऊं कि ढांचे को तोड़ने के लिए मैंने घाट घाट का पानी पिया, कहां कहां नहीं गया। और लेकिन उतना सुंदर, उतना देदीप्यमान, जाज्वल्यमान चेहरा किसी का दिखा नहीं। 86 में जैसे मिले थे वैसे ही 2019 में भी उसी तरह से थे, कोई एक बाल भी उनका पका नहीं था। वही एक धोती, एक वही पहनते थे, वही लपेटते थे, बाल घुंघराले, ऐसे लगता था जब मैं उनका पैर छूता था, चरणों में लेटता था, तो वो सिर्फ यही करते थे, नारायण नारायण, जैसे नारद जी करते थे तो वैसे वो भी करते थे। तो इसलिए हम आपस में, हम और रवि भैया बात करते थे कि ये स्वयं नारद जी हैं, क्या लगता है। पर माया में फंसे हम, माया मोह से ग्रसित जीव, हम क्या जान सकते हैं सच्चाई क्या है, वो ईश्वर ही जाने।